अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बात करूंगा आज आपसे, एएमयू एमएससी का पेपर आज हो चुका है, आप सब लोगों ने पेपर दोस्तों दे लिया होगा, बेसब्री होगी जल्दी से टेस्ट डेट आए। जो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे वो आज आ चुकी है, पेपर भी आपने देख लिया। पहले तो डाउट होता कैसा आया कैसा नहीं आएगा, दोस्तों सारा आपने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके माइंड में, इस पेपर को देखने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है, इंटरनल एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर ले बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुंचे। दोस्तों एमएससी का पेपर था, खासतौर फिजिक्स, तो पेपर तो मुश्किल रहा होगा क्योंकि 70 एमसीक्यू आते हैं और 30 मार्क्स का आपको आता है शॉर्ट आंसर टाइप। लेकिन ये फिजिक्स के मतलब फिजिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप है, इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं, डेरिवेटिव्स भी होते हैं, आपको याद तो सारा होता नहीं है, कहाँ से आ जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस होता है तो। और अगर आपको 5-6 क्वेश्चन आते भी हैं ना, अगर प्रॉपरली आप उनको लिखें तो आराम से आपका आधा घंटा तो आराम से मैं समझता हूँ निकल जाएगा 5-6 क्वेश्चन लिखने में, शायद पूरे मार्क्स आपको वहाँ पर ना मिल पाए। दोस्तों उसके बाद 70 एमसीक्यूज आते हैं, वहाँ भी दोस्तों लगभग 80-90% आपके न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, तो वहाँ भी दोस्तों कोई मामला इतना आसान नहीं है, सारा सॉल्व करना होता है, फिर आपको फिल भी करना होता है। ओएमआर शीट तो ये सब पेपर को काफ़ी मुश्किल बना देते हैं, सीट्स है केवल 50। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ की उम्मीद ना करें। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों बात करूँ और जनरल हैं दोस्तों, तो जो बच्चा भी जो है मेरे ख्याल से 42-44 तक पहुँच रहा होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों नहीं होगी, इससे कम भी, इससे कम तो शायद एक नंबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा दोस्तों इससे मेरे ख्याल से नहीं होने वाली। अगर आप ओबीसी हैं मे बी 39-41 अगर आपका स्कोर है तो इन माई ओपिनियन यू आर इन द सेफ जोन, कोई इशू आपको नहीं होने वाला। और अगर आप एससी एसटी हैं दोस्तों तो मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर 35 से थोड़ा सा भी ऊपर निकल गया या 35 तक पहुंच गए आप, तो इन माई व्यू यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन एमएससी फिजिक्स एट एएमयू। दोस्तों बात करेंगे आप इंटरनल हैं दोस्तों, इंटरनल के दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ मैक्स में जो रहेगी मिनिमम वो दोस्तों मेरे ख्याल से 35 तक तो मेरे ख्याल से दोस्तों पक्का ओपन, मतलब 33-35, इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है, इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों नहीं होगी। इतना तो उम्मीद किया भी जाता है, जो बच्चा पढ़ के आएगा 20-25 तो आपको एमसीक्यू उसको शायद कर ले और 10-12 नंबर वहाँ भी निकाल ले, तो इतनी दोस्तों रहेगी मेरे ख्याल से 35 तक कट ऑफ दोस्तों हो सकती है 33-2, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 सीट्स हैं केवल, तो 33-35 नंबर दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से रह सकती है। अगर आप ओबीसी इंटरनल हैं दोस्तों अगेन मे बी 31-33 दोस्तों, और आप एससी एसटी इंटरनल हैं दोस्तों मेरे ख्याल से 28-30 नंबर आपके ने स्कोर कर लिया है, 28-30 हो, इससे दोस्तों कम शायद भी रहना मुश्किल है, इससे ज़्यादा भी नहीं होगी, इसी की दोस्तों ये जो रेंज मैंने बताई है आपको इतनी कट ऑफ मुझे लग रही है, इससे ज़्यादा दोस्तों इन पेपरों में इससे ज़्यादा मुश्किल होगी, पूरा पार्ट आपको सॉल्व करना होता है तो वो पार्ट आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है करना, और टाइम भी आपको आता भी होगा कि टाइम भी एक देखना होता है, टाइम भी होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए कट ऑफ दोस्तों बताइए, इसी के आसपास रहेगी मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।